सो वो इज अबरी पब्जी मोबाइल वीडियो थे और आ चुके एक और खतरनाक वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि सीजन एटीन में आप लोग किस तरीके से कॉन्कर पुश कर सकते हो कई सारी आप लोग गलतियां करते होंगे कई सारी मतलब ना ऐसी टिप्स है जो कि कोई नहीं बताता लेकिन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एंड साथ ही साथ में आप लोग कई चीजें ऐसी सोचते होंगे कि यार इस तरीके से करेंगे तो कॉन्कर नहीं होगा तो मैं सारा चीज आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को ना भाई साहब कॉन्कर काफी हद तक एक्सपीरियंस हो गया है uh, तो है ना जो भी बंदा आज मतलब पहली बार कॉन्कर करना चाहता है ना तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है तो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना क्योंकि मैं एंड तक आप लोग को कुछ ऐसी टिप्स दूंगा बेसिक्स एडवांस सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं साथ ही साथ में कुछ लाइक like, जो ट्रिक्स होती है ना वो भी मैं बताने वाला हूँ और काफी सारी ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिससे लाइक like, आप लोग का प्लस पॉइंट कैसे ज्यादा लेना है कम कब मिलता है टाइम कब मिलता है सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना और पहले बता दूँ कि है ना जो भी बंदा इस चैनल पर नया है तो यार प्लीज से सब्सक्राइब करके कर रखना और जो नोटिफिकेशन बैल है उसको भी ऑल पर कर लेना क्योंकि नेक्स्ट सीजन मैं जब भी मतलब जिस भी टाइम में कौन कर करने वाला हूँ ना मतलब सोलो डुओ स्कॉ जो भी कुछ करने वाला हूँ ना डेली के डेली आप लोग को वीडियोज़ में प्रोवाइड करने आने वाला हूँ क्योंकि ना देखो सीधी सी बात है जो बेसिक टिप्स होती है ना वो तो मैं आप लोग को इधर दे दूंगा लेकिन जो मेन टिप्स होती है ना लाइक है ना किस तरीके से सर्वाइव करे कई सारी ऐसी चीजें होती है मतलब कंडीशन वाइज समझाया जा सकता है उनको तो वो चीजें मैं आप लोगों को ना एक्सप्लेन करूंगा गेम प्लेस डाल के ना तो उन गेम प्ले में आप लोग को बेसिकली कॉन्करपेशन की टिप्स मिलेगी तो यार उनको भी ध्यान से देखना तो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे कर लेना ओके एंड जो मिस्टेक्स वगैरह होती है ना वो भी आप लोग को जब भी पता चलती है जब आप लोग लाइक गेम प्ले वगैरह देखते हो डेली के डेली है तो उससे ही आप लोग को समझ में आएगा सो so, वीडियो को ज्यादा बकवास मतलब बंद करते हैं हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते मेन टॉपिक के साथ में सो so, बेसिकली देखो ना अपना फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप लोग को कॉन्कर पुश करना तो है वो, लेकिन किस में करना है सोलो में करना है डुओ में करना है या स्कॉड में करना है तो देखो ये चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दू सोलो में सबसे ज्यादा कम पॉइंट लगते हैं कॉन्कर पुशिंग करने में लेकिन सोलो का क्या है कि ना देखो सीन ऐसा हो जाता है कि जो भी पूरा गेम है ना वो आप लोग के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि अगर मतलब रश करना है तो आपको करना है सर्वाइव करना है तो आपको करना है कैंपर मारेगा तो डायरेक्ट फिनिश हो जाओगे है तो ये चीजें हो जाती है सोलो के अंदर लेकिन देखो सीन क्या है ना अगर आप लोग चाहते हो कि डुओ में करो है ना तो डुओ में आप लोग को एक टीममेट मिल जाता है जो कि हेल्प कर देता है आप लोग के आ, साथ में मिलाई करना सर्वाइव करता है और बातचीत भी होती रहती है तो इस वजह से ज्यादा बोरिंग फील नहीं होता लेकिन सोलो के अंदर है ना बोरिंग फील होता है और जो सोलो के अंदर है ना कम पॉइंट मिलता है मेरे को पिछली बार है ना एस स्टार फाइव सॉरी ज्यादा बोल दिया एस स्टार एक के ऊपर मिल गया एक भी नहीं हाँ मेरे को एज पे ही मिल गया था तो वो मेरे को कैसे मिला था कि मैंने जो स्टार्टिंग है ना वो फर्स्ट वीक में कॉन्कर पुश कर दिया था तो ये भी टिप आप लोग मतलब लगा सकते हो कि ना आप लोग को फर्स्ट में ही कॉन्कर पुश करना है जैसे सीजन आए उसी टाइम पे आप लोग को कॉन्कर पुशिंग स्टार्ट कर देनी है उससे पहले अगर आप लोग चाहो ना तो ये वीडियो जब भी आप लोग देख रहे हो ना उसी टाइम से आप लोग रैंक पुशिंग चालू कर दो आप लोग सोच रहे हो कि ना इस सीजन नहीं करना नेक्स्ट सीजन करना तो भी आप लोग चालू कर दो क्योंकि ना ऐसा होता है कि ना नेक्स्ट सीजन आप लोग करोगे ना तो आप लोग को मतलब टायर थोड़ा सा कम गिरेगा और उसको आराम से आप लोग प्लस पॉइंट कर पाओगे है ना तो ये चीज़ तो हो गई और जो स्क्वाड की बात है ना तो स्क्वाड में देखो मैं आप लोग को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ना स्क्वाड का सिनेरियो पूरा अलग हो जाता है स्क्वाड में आप लोग को क्या करना पड़ता है uh, मतलब मैं कंकर पुशर्स के साथ में खेला हूँ लेकिन स्क्ॉड में मैंने कभी पुश नहीं किया है uh, मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ में मैंने कॉन्कर पुशन के साथ में काफी ज्यादा खेला है तो स्क्वाड का क्या सीन है कि आप लोग को ऐसा नहीं है कि ओनली सर्वाइव करके खेलना है नहीं स्क्वाड में आप लोग को थर्ड पार्टी वगैरह करनी होती है एंड बेसिकली ना आप लोग को क्या होता है कि किल्स निकालने होते हैं स्क्वाड में वरना आप लोग एक दो प्लस पे जाओगे ना तो आप लोग को कॉन्कर नहीं मिलने वाला क्योंकि स्क्वाड के अंदर ना पॉइंट्स डे बाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं मतलब दिन ब दिन इतने ज्यादा पॉइंट्स चले जाते हैं ना जो हार्ड हो जाता है कॉन्कर पुश करना सो so, इसीलिए अगर आप लोग के पास टीममेट है तो आप लोग डुओ में कर सकते हो और टीम नहीं है तो आप लोग सोलो में भी कर सकते हो सोलो की टिप्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूंगा कि अब देखते हैं मैं कौन से में करूंगा आ, सोलो में करूंगा या स्कॉड में करूंगा मतलब डुओ में करूंगा स्क्वाड के तो अभी तक कोई चांसेस नहीं लग रहे लेकिन डॉन भाई बोल रहे कि कर लेना स्कॉड में आ, तो सोचते हैं वैसे टाइम का भी बहुत ज़्यादा इशू होगा तो ये पर्सनल बातों पे पहुंच गए तो अब ये टिप्स देते हैं ना सो so बेसिकली ये टिप्स मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी कर दी क्योंकि है ना ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था अभी मैं आप लोग को बता दू कि आप लोग को प्ले स्टाइल कैसे रखनी है तो देखो प्ले स्टाइल आप लोग को कैसी रखनी है कि आप लोग को लैंड करना है लैंड करने के बाद है ना एक ऐसी पोजिशन ढूंढनी है जिसपे आप लोग पूरा मैच भी सर्वाइव कर लो ना तो भी ज्यादा बड़ी बात ना हो है ना तो आप लोग को क्या करना है कि ऐसा प्लेस होल्ड करना है जिस जगह पे जोन बने एंड आप लोग को लूट मिल जाए और उधर कोई बंधन आए एक दो तो बॉट आ जाए वगैरह वगैरह तो ऐसी पोजिशन आप लोग को ढूंढी और ऐसी पोजिशन आप लोग को कैसे मिलेगी आप लोग को जो प्लेन पाथ है उससे दूर उतरना है ये चीज आप लोग को बता दू है ना तो ये बेसिक टिप थी जो मैंने आप लोग को दे दी और अगली टिप आ रही है वो है कि आप लोग को ना लाइक ये डिपेंड नहीं रहना कि ओनली सर्वाइव ही करे कई बंदे क्या सोचते हैं कि ओनली सर्वाइव से ही अपना प्लस पॉइंट मिल जाएगा लेकिन ऐसी बात नहीं है सर्वाइव भी करो और मतलब जो वो है ना क्या बोलते हैं किल्स तो वो भी लो है ना तो देखो कई मैच में क्या होता है कि ना आप लोग को सर्वाइव भी करना पड़ता है ऐसा मैच कौन सा ना, तो आप लोग को प्लस मिल लेकिन कई ऐसे मैचेज होते हैं देखो लास्ट जोन में मान लो ना दस पंद्रह बंदे लाइव है तो आप लोग को क्या करना है उस मैच में आप लोग को निकालने थोड़े बहुत है जब जाके आप लोग को ज्यादा प्लस मिलेगा वरना प्लस नहीं मिलेगा तो ये चीज़ें ना कोई नहीं बताता बेसिकली लेकिन मैं बता देता हूँ और कुछ ऐसी टिप बता दू तो देखो अभी के लिए इवेंट बहुत ज्यादा चल रहा है ओके पिछले सीजन भी बंदों को का, काफी ज्यादा आसान हो गया था रूनिक पावर की वजह से एंड इस सीजन तो कतई गंदा वाला सीन है कतई गंदा वाला तो देखो ग्लिच तो डेफिनेटली आएगी तो मैं पहले ही बता दू ग्लिच वाले बंदे आप लोग को बहुत ज्यादा पीटने वाले हैं लेकिन आप उनको कभी भी मत पीटना ग्लिच यूज करके क्योंकि अगर आप लोग ग्लिच यूज करोगे ना तो भाई डेफिनेटली आपका अकाउंट बैन हो सकता है जितने ज़्यादा आप लोग बंदे किल करोगे गिलीच चूज करके तो सीधी सी बात अकाउंट बैन होएगा तो मैं तो बोलूँगा कि अवॉइड करना गिलीच यूज़ करना मैं बिल्कुल भी मतलब बताऊँगा नहीं गिलीच वगैरह के बारे में भी अगर हो सके तो गलती से कभी कभी बता भी सकता हूँ गलती से मान लगे ना गलती से डल गई मेरे पे वीडियो मतलब ज़्यादातर तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा गिलीच को लेकिन हो सकता है डल जाए गलती से तो मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ ओके एंड बेसिकली ये सारी चीज़ हो गई ना तो मेनली आप लोग को यही करना है और साथ ही साथ में आप लोग को अंदर अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई साहब मेरे को कर पुश करना है तो करना ही है ये चीज होना चाहिए जब जाके आप लोग का कंकर हो पाएगा एंड साथ में आप लोग को बता दू की मैप कौन सा रखना है तो देखो सीधी सी बात है इरेंगल रखो आ, सोलो के अंदर ना, आप लोग नॉर्मल इरेंगल खेलोगे ना तो वो बेटर रहेगा बिना लाइक ये पावर क्या बोलते हैं इसको बिना इवेंट वाला तो उसमें ना अपने को अच्छा प्लस मिलता है लेकिन है ना ये चीज डिपेंड करती है कि कौन बंदे ज्यादा खेल मतलब कौन सा मैप को ज्यादा खेल रहे हैं बंदे तो ये चीज आप लोग को खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेगी किस सीजन में कौन से ज्यादा खेलते हैं बाकी के मैं गेम प्लेज में भी बता दूंगा सो ये चीज में आप लोग को आगे जाके पता चल जाएगी लेकिन अभी के लिए तो ज्यादा पता नहीं है जब मैं रैंक पोशिंग

तो ओके ये चीज तो मेन हो ही गई है एंड साथ में कई लोगों ने पॉइंट्स के रिलेटेड भी डाउट होएगा तो देखो सीधी सी बात है पॉइंट का रिलेटेड ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए पॉइंट्स का सीन यही है कि आप लोग को 500 के अंदर आना टॉप रैंकिंग 500 के अंदर आना है और आप लोग का इजी कॉन्कर मिल जाता है अगले दिन साढ़े पांच समथिंग पे तो ये चीज़ तो बेसिक चीज़ें ना तो कई लोगों को पता होगी लेकिन कई बंदे ने क्या अभी अभी नया नया, नया कॉन्कर कुछ स्टार्ट कर रहे होंगे ना तो उनको ये चीज़ नहीं पता होगी तो अभी मैंने बता दिया और देखो जो टाइमिंग होती है ना वो ऐसा होता है कि ना आप लोग जितना स्टार्टिंग में खेल रहे हो ना तो उस हिसाब से होता है अगर आप लोग स्टार्टिंग में खेल रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो ताकि ना आप लोग को कम से कम पॉइंट्स में हो जाए तो मैंने क्या किया था पिछले सीजन मैंने सिर्फ पाँच दिन में कॉन्कर लगा दिया था वो भी गलती की वजह से मेरे से वरना मैं और भी जल्दी लगा सकता था थोड़ी बहुत गलती हो जाती है दैट्स वाई वो थोड़ा सा टाइम लग गया था वरना तो मैं और भी जल्दी लगा देता है ना सो so, ये चीज़ मैंने बता दी आप लोग को है ना टाइम मतलब जितना आप लोग ज़्यादा टाइम दोगे ना उतना जल्दी आप लोग का कॉन्कर लग जाएगा समझ गए और ऐसा सीन है देखो जब भी आप लोग के मैच में माइनस हो जाए ना तब आप लोग को मैच नहीं खेलना है उससे क्या होता है ना कि अगला मैच भी आप लोग के माइनस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं वो टेंशन की वजह से थोड़ा बहुत पैनिक इशू पैनिक हो जाते हैं कई बंदे के नाल सोचते कि यार पिछले मैच में माइनस हो गए उसी के बारे में माइंड चलता रहता है दैट्स बाय वो जो अभी करंट में मैच खेल रहे हो ना वो भी बर्बाद हो जाता है तो ये चीजें मैंने बता दी और साथ ही साथ में देखो ना जितना ज्यादा खेलोगे ना उतना ज्यादा आप लोग को फायदा होगा जितना कम खेलोगे उतना फायदा आप लोग को नहीं होगा तो ये, ये तो बेसिक टिप थी जो मैंने बता दी ओके सो बोनस टिप के रूप में तो एक ही चीज आती है वो आती है कि अपने को इवेंट में ई यूज लेना है ई एस यूज लोगे ना तो आप लोग को कोई भी कैंपर मार नहीं पाएगा एंड जोन में काफी ज्यादा आप लोग को फायदा हो जाएगा सो यही बोनस टिप थी जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना सो आई होप गाइज आप लोग को ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल हुई होगी मैंने जो भी मेरी एक्सपीरियंस है ना मेरा एक्सपीरियंस पूरा मैंने निचोड़ के आप को बता दिया है बेसिकली सारे सीजन में ये ट्रिक होती है लेकिन है ना कई सीजन सीन चेंज हो जाता है जिस भी सीजन में ये इवेंट वगैरह आ जाते हैं ना उनमें सीन चेंज हो जाता है प्रॉपरली जो इवेंट आ जाता है ना तो उसमें क्या होता है कि अपने को इवेंट वाला खेलना होता है इवेंट वाले क्यों खेलना होता है क्योंकि जो बंदे होते हैं ना वो ज़्यादातर इवेंट वाले में रैंक पुश करते हैं सो so, अभी आप लोग डिसाइड करना है कि आप लोग को कौन से वाले मैच में खेलना है इवेंट वाले में खेलना है या फिर नॉर्मल एर एंगल में नॉर्मल एयर एंगल का सीन एक ही है कि ना भाई कैंपर से आप फाइट नहीं ले पाओगे लेकिन जो ये वाला इवेंट है इसमें भाई अपने को ई दिया जा रहा है और आप लोग ईजिली कॉन्कर पुश कर पाओगे ना सो so, चीज़ मैंने आप लोग को बता दी तो कई आई होप आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर लेना ताकि मैं जैसे ही गेम प्लेस की वीडियो डालू कॉन्कर पुषिंग के तो आप लोग को सबसे पहले पता चल जाए तो मिलते गले तब तक पीस आउट